एनर्जी अपडेट नेक्स्ट 4 डेज के लिए किस तरह से रहने वाली है, आज मैं ये लेकर आई हूँ। और ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह से ये एनर्जी काम करेगी। ट्विन फ्लेम्स के पास्ट जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो सब ख़त्म हो जाने वाले हैं। जितने भी आप इस टाइम तक हर्ट हुए हैं और वो भी आप जो हैं फॉरगिवनेस प्रेयर के साथ हील कर पाएंगे। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की यदि बात की जाए तो वो रिजेक्शन की वजह से या अपने आप को कहीं और फैमिली प्रेशर की वजह से इंगेज कर सकते हैं। रिजेक्शन का डर हो सकता है या किसी मजबूरी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि वो कहीं और ही अपनी एंगेजमेंट कर लें या मैरिज कर लें, या अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो कहीं और ही आपसे बात करना बंद कर दें। सो डोंट वरी, ये सभी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पर लागू नहीं होता है। हर किसी के क्योंकि अपने अपने कर्माज होते हैं उसी हिसाब से बात कर रही हूँ। वैसे भी जनवरी 2nd वीक में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का कर्मा उनके सामने आएगा, चाहे वो उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, गलत किया हो या बोला हो, या कुछ भी उनके कर्माज हैं वो आपके सामने दिखाई देंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन से इन दिनों में आपको ज़्यादा ही टेलीपैथिकली कनेक्टेड फील कर पाएंगे। वैसे भी आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की हर एक बात को पहले से ही तो एग्जैक्टली समझ जाते हैं कि नहीं, तो ये यही बात है कि आप अपनी इस जर्नी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ते रहें इस जर्नी में। लेकिन आगे मैं बताती हूँ, लेकिन आपको भी ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर। आगे मैं ये बात करती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी का इस समय में क्या पर्सपेक्टिव रहने वाला है। बहुत कुछ आगे इन दिनों में आपके अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। इन दिनों आप टेलीपैथिकली अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, फिजिकली नहीं टेलीपैथिकली कनेक्टेड रहेंगे। ड्रीम आ सकते हैं आपको और पहले से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होने के भी बहुत ज़्यादा संकेत हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल डाउनलोड जो है आपके ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। वहीं आप डिवाइन फेमिनाइन के भी कार्मिक पैटर्न एक बार फिर से रिपीट हो सकते हैं, डरने की बात नहीं है। ये आपके नेक्स्ट वीक तक हो सकते हैं, इस तरह से चल सकता है कि कार्मिक लोगों के साथ आपको किसी तरह की कन्फ्लिक्ट्स हो जाए, ट्रिगरिंग आपको उनकी तरफ से मिले, इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपके बेस्ट वर्जन बनने के लिए ही है क्योंकि आप ऑलरेडी असेंशन प्रोसेस में हैं। तो असेंशन प्रोसेस में वैसे भी आपका बहुत ही अच्छा चल ही रहा है, लेकिन असेंशन प्रोसेस में ही आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ लव और लव में क्या क्या ब्लॉकेजेस थे या हैं, आपके जीवन में क्यों इस तरह के लव ब्लॉकेजेस आए, ये आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए आप अपने आप से रीयूनाइट होने की कोशिश करेंगे, जिसमें सेल्फ एस्टीम भी आता है, सेल्फ लव भी आता है, इनर वर्क भी आता है और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स का एक दूसरे से रीयूनियन होना या यूनियन होना दिखाई देता है। जी हाँ, इसी 3D वर्ल्ड में, इसी 3D यानी कि थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड में ही मैरिज होना पॉसिबल है, क्योंकि इन ट्विन फ्लेम्स ने नेगेटिविटी को बाहर निकाला है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है। इनके जितने भी रिपीटिंग पैटर्न थे उनको इन्होंने तोड़ा है, इनके जितने भी एंसेस्ट्रल पैटर्न थे उनको भी इन्होंने अलग ही तरीके से क्लींस आउट किया है। आपने भी इस तरह से किया है तो आपका भी रीयूनियन पक्का बहुत ही जल्दी है और सभी तरह के स्ट्रगल्स आपके ख़त्म होने वाले हैं। किसी भी तरह से घबराइए नहीं, इन सब के रीयूनाइट होने पर सबसे पहले आप और मैं, हम सभी इन सबको, या मैरिज होने पर इन सबको बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, और आप हमेशा खुश रहें। आपको भी किसी तरह का इनर कॉन्फ्लिक्ट इस समय अगर मन में आ रहा है तो समझिए कोई बात नहीं, आपका भी कार्मिक क्लिंजिंग चल रही है, आप भी जल्द ही रीयूनाइट होंगे अपने ही ट्विन फ्लेम से इस 3D वर्ल्ड में। जी हाँ, मंगल अभी भी वैसे भी वक्री चल रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि इनर वर्क का पॉजिटिव रिजल्ट आप सभी ट्विन फ्लेम्स को मिलने जा रहा है। इनर वर्क जितना भी स्ट्रांगली या इमेंसली आपने किया है
तो ये आपको उसका फल जरूर मिलेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीप पजिंग आपकी होगी ही होगी और ट्विन फ्लेम से आपको ट्रिगरिंग भी मिल सकती है। कुछ कुछ के लिए है, सभी के लिए सेम चीज नहीं हो सकती है। तो इस तरह से रहेगा और आप उनके साथ वर्बल फाइट में भी इंगेज हो सकते हैं कि तुमने भी तो ऐसे कहा था, तुमने भी ऐसे कहा था, इस तरह की बातें हो सकती हैं। इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, डिस्टेंस क्रिएट करके रखें अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन से, ताकि आपकी ही ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर पीस में बैलेंस आ सके, अदरवाइज मुश्किल होगी। बेसिकली नेक्स्ट 3-4 डेज में आप अपने चाइल्डहुड पैटर्न को भी रिपीट होता हुआ देखेंगे, जिसमें कि ये लगेगा कि यस कुछ तो नया मेरे साथ होने वाला है, होने वाला है कि नहीं, ऐसा ज़रूर फील होगा। इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं, प्रेगनेंसी के ड्रीम आ सकते हैं, चाइल्ड के ड्रीम आ सकते हैं, चाहे आप मेल भी हों तो भी। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी मेल फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकती है, ये आपको मालूम है, क्योंकि ये एनर्जी की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात नहीं हो रही। तो आपका उनसे मिलना बिछड़ना इसी जीवन में कई बार हो सकता है, इसी ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसी जीवन में, है ना। तो इसीलिए सिर्फ मिलने को लेकर या रीयूनाइट होने को लेकर मेंटल चेजिंग ना करें, या ये ना सोचें कि इनर वर्क करेंगे तो रीयूनियन इस जीवन में हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो क्या करना चाहिए आपको? You have to go within and tap into your own intuitive guidance. आपकी अपनी intuitive guidance क्या कहती है, आपकी gut feeling क्या कहती है कि मुझे क्या करना है। क्योंकि जब तक आप intuitively higher self से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप alignment में नहीं आ पाएंगे, ईश्वर से alignment में नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए aligned रहने के लिए journal writing करें, cord cutting करें और other type of rituals भी करते रहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसी तरह की बातें आती हैं, ये सभी आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि यही करना आपके लिए इस असेंशन प्रोसेस में स्ट्रगल से मुक्ति दिलाएगा। नहीं तो अभी इस समय क्या लगेगा, ओहो स्ट्रगल हो रहा है, उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, ब्लॉक कर दिया, ट्रिगर हो गया। ऐसा मत करें, अपने आप को परेशानी में खुद ही मत डालिए, परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश करें। कोई भी एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए, दूसरी प्रॉब्लम पकड़िए, फिर दूसरा प्रॉब्लम। आप कहेंगे मेरे पास तो 10 प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूं? 1 by 1 एक एक प्रॉब्लम को लीजिए और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालते चलिए, इजी रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए कि आपका प्रॉब्लम क्या है, बहुत इजी रहेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। कैसा लगा आपको एनर्जी अपडेट, कोई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।